सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर संजय गुरमीत ब्लॉग। सो गाइज, आज हम लेट उठे हैं और आज हमें हो गया 12:15 बज चुके हैं और आज है गुरु पूरब। तो गुरु पूरब की छुट्टी है, दोनों बच्चे भी अभी तक सो रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ, हस्बैंड जी उठ चुके हैं, वो है वॉशरूम में। और मैं इतनी टेंशन में हूँ ना गाइज, क्या बताऊँ अपनी टेंशन के बारे में, क्योंकि मेरी जो मेड थी परमानेंट वाली, बढ़िया वाली मेड, उनका क्या हुआ है कि वो चली गई है गांव और सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं मुझ पे, खाना बनाने से लेकर सफाई तक। वो लगा के तो गई हैं, वो सिर्फ सफाई करेगी, खाना नहीं बना पाएंगी। और आप ये लगा लो, अब ना बहुत मुश्किल आने वाली है हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे शॉप भी देखनी होती है और काफ़ी कुछ है, मैनेज करना पड़ता है बच्चों की स्टडी वगैरह सब कुछ, तो खाना बनाने की बहुत टेंशन हो गई है। अभी जो वो लगा के गए हैं ना, तो वो मना कर रही है खाना बनाने से, तो थोड़ी सी ये दिक्कत है। अब देखते हैं आज क्या बनता है क्या नहीं बनता। अभी तो ब्रेकफास्ट में मैं दलिया बनाने जा रही हूँ, आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट देती रहूँगी। और अभी मेरी कज़न का भी फ़ोन आया था कि वो ना यहाँ, मतलब उसकी शादी हुई थी 1.5 साल हो गया है, तो उसका भी फ़ोन आया था कि मैं घर आई हुई हूँ, पास्ता भिजवा दो। मैंने कहा चलो भिजवा दो, बच्चे तो खा ही लेंगे पास्ता, तो अभी वो पास्ता बना के भिजवाएगी और मैं हम सबके लिए दलिया बनाने जा रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पे प्रिया ने भेजा है पास्ता बना के दर्शक के लिए और इनको बहुत ही यम्मी लग रहा है। थैंक यू प्रिया। गाइज, प्रिया मेरी कज़न है, वो उसकी शादी अभी अभी हुई थी, तो अभी वो घर पर आई हुई है, तो उसने पास्ता बना के भेजा। और सच में प्रिया बहुत डिलीशियस है यार, दर्श तो कभी नहीं खाता पास्ता, ये भी खा रहा है, ये लगा ले। और ये देखो संजय भी खा रहे हैं, अब मैं भी खाऊंगी, मेरा यहाँ दलिया रखा हुआ है वरना मैं ये भी खा लेती। बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी इन दोनों को। दर्श तो गाइस बिल्कुल भी पास्ता नहीं खाता था और ये तब भी खा रहा है, देख लो। ये कह रहे कल घर पर आए थे, घर पे बना के चले आते। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड ब्यूटीफुल सी ड्रेस डाली है मैंने। और आप सभी को पता है आज मुझे जाना था मेहंदी रसम में मेरे मासी के घर, क्योंकि वहां पे चल रही है शादी का सीजन है, सभी को पता है शादी का सीजन है, तो आज है मेहंदी नाइट, ठीक है। एंड ये देखिए गाइस, मैंने नथ डाली है बहुत अलग सी खूबसूरत सी, और ये आ गए हैं मेरे हस्बैंड जी, ठीक है। और ना ये मैंने बहुत टाइम बाद डाली है, तो ये बताना कि कैसी लगी, क्योंकि इसके साथ ना यहाँ पे लड़ियां भी जा रही थी, वो मैंने हटा के तोड़ दी। और ये, अरे जान ये हटाना पड़ेगा, ये हटा देती हूँ, ये हटाती हूँ, और ये लुक बताना, बैक कैमरा से दिखाती हूँ मेरी फुल लुक। और ये ड्रेस मैंने उदयपुर में भी डाली थी, ये वही वाली ड्रेस है जो मैंने उदयपुर में डाली थी। कैसी लग रही है लुक जरूर बताइएगा। और अभी मैं मम्मी को रेडी करती हूँ, ये ना घूम जाते हैं, देखो ये मेरे इयररिंग्स घूम जाते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने ये डाला है खूबसूरत सा चोकर, जो आप सभी पूछते हो इस चोकर के बारे में। एंड चलिए गाइस, मैं मम्मी को रेडी करती हूँ, मम्मी भी वहाँ बैठी हुई है, मम्मी को रेडी करते हैं। मम्मी के लिए जो मैं, मम्मी ने जो आज साड़ी डाली है वो मैं चांदनी चौक से लाई थी, बहुत सुंदर साड़ी है। दो साड़ियाँ लाई थी जो उस दिन कीर्तन में डाली थी, एक ये, और कल जो पहनने वाली है वो तो मैंने ली थी रजौरी से, तो कल मम्मी की भी लुक दिखाएंगे। अभी रेडी करते हैं मम्मी को, ठीक है गाइस। फाइनली गाइस, मम्मी रेडी हो रही है, मम्मी को फाउंडेशन लगाया जा रहा है भाई। चलो जैसे तैयार होते हैं मैं आपको दिखा दूंगा। हां हां मुझे पता। सो गाइस यहां पे मम्मी भी रेडी हो चुकी है, मम्मी लग रही है ना बहुत ही प्रिटी, मेरी सुंदर सी मम्मा। एंड यहां पे ये वाली साड़ी लाई थी मैं चांदनी चौक से, दर्श भी रेडी हो चुका है, ठीक है। सो गाइस मैंने और मम्मी ने जो नेक पीस डाला है ऑलमोस्ट सेम है, ये देखो सेम। फाइनली हमारी जान आ चुकी है, इनको लेके जा रहा हूँ मैं, आज मैं इनके साथ जा रहा हूँ। ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, मजा भी बहुत अच्छे लग रहे हो आप तो, अच्छे हमेशा लगते हो कपड़े, उससे आपको आपके ऊपर चढ़ने के बाद ना और अच्छे लगने लग जाते कपड़े भी। चलें चलो मेरे मैं आइए, मुझे अकेला नहीं बोला ना, मैं मुझे अकेला नहीं छोड़ते, मैंने कहा आप अकेले नहीं, आप ही साथ चलो, मैंने चलो वो ठीक है। और बच्चे हमारी अरे क्या होता है गाइस, अभी एक हमारे घर के आगे ना पानी बह रहा है, कोई 3-4 नाले बंद हो चुके हैं हमारे घर के, ना पानी बह रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब हम गाड़ी में भी आ चुके हैं, पीछे से मम्मी बैठ रही हैं, दर्श बेटा लाइट चला, हम लोग अब जा रहे हैं, निकल गए हैं। और पता है आज भी हम लेट हो गए, हमने सोचा था हम 5 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग कितने बजे निकल रहे हैं, रेडी 5 बजे हो गए थे हम लोग, 6 बज गए हमें, मैडम जी की कुछ उसकी वजह से 6 बज गए, मेरी वजह से, हमेशा मुझे ब्लेम करते हैं। गाइस आज क्या, आज गुरुपुरब था ना, इस वजह से क्या हुआ कि जो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, हम लोग बहुत स्मूथली आ चुके हैं और हमारी जान तो यहाँ बहुत ज़्यादा बिजी है,
पीछे सभी बिजी हैं। मेरे को ना दिन क्या बोलते दर्द हो रहा था इसे पहनने में, तो मैंने निकाल दिया और ये नेकलेस भी थोड़ा नीचे कर लिया। अब जब जाऊंगी तब पहनूंगी। देखा कपड़ी उतार दे फिर। कुछ ज्यादा ही हो गया। गाइस मैं भी देखो, मैं तो जूती उतार के बैठा हूं। गाइस लड़कियां देखो खूबसूरत बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, लड़के समझ नहीं सकते। अरे मैं देखो मेरा लड़की कितनी परेशान है, जूती उतार के बैठा हम तो। हम भी मेरे पैरों में भी दर्द, जूती उतार के बैठा हुआ। हमें ना फ्री जूते पहने आते, ये थोड़ा टाइट हो जाता है जूता इसीलिए। चलो गाइस फिर मिलते हैं। देखो नॉटी कितना है, ये उन भैया को देख देख के क्या इशारे कर रहा है। दर्श दानी जी भी ताजी कर रही थी। तेरी धड़कन मुझे अब गाना आ गया। गाइस ये देखो ब्राइड की मेहंदी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। ये दुल्हन है, ये दुल्हन है। वाओ यहाँ पे मोर बनी हुई है। गाइस ये देखो मोर है यहाँ पे, पीछे करो अविनाश नाम है। वाओ ये हमारी जीजू का अविनाश नेम है। और पीछे दिखाओ, ये देखो गाइस कितनी सुंदर मेहंदी। सो गाइस ये देखो ब्राइड हमारी प्यारी सी, कल तो पहचान में नहीं आएगी इतनी सुंदर लगने वाली है ये। प्रोग्राम हो चुका है, अभी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रहा है, वो बताऊँगा बाद में जो भी है। क्या कह रहे हो भाभी, बोलो ना। सो गाइस हमारा यहाँ पे डिनर चल रहा है। ये देखो ये मिक्स वेज है, शाही पनीर है, दाल मखनी है, चावल है, नान है एंड गुलाब जामुन है, और हम यहाँ सारे बैठ के खा रहे हैं। क्या होता है? मोमो। मोमोज। इतना सारा मजे करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। अरे ब्रेकर आ गया भाई। तो सभी बैठ चुके पीछे, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं कौन है ये, कौन है ये, पहचानो। देख सकते हैं कौन है, पहचानो। ऐसे गाइस लड़की रास्ते में भटक रही थी, हमने उठा रहा है वो। मैडम कह रहे मैं नहीं उठाया। मुझे टकराई, मुझे नहीं मैडम टकराई। देखो मेरे साथ अकेले कोई नहीं है, मेरे साथ मेरी वाइफ भी है, इसीलिए अगर 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 अकेली अगर मैं अकेला मैं कभी नहीं उठाता, मैं भूतनी समझ के छोड़ देता। हाँ भूतनी समझ के छोड़ देता मैं गाइस। ठीक है, भूतनी इतनी गोरी को इतनी सुंदर सुंदर होती है। भूतनी बहुत ज्यादा सुंदर होती है। चलो फिर गाइस निकलते हैं, चले जाने। सो फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, और ये जो मैं मेरा माथे पे टीका देखो, ये टीका होता है तो वही टीका हुआ है, क्योंकि मैं अकेला था, वीडियो को बनाने वाला था इसलिए बनाया नहीं। ठीक है, अब धीरे धीरे मिट भी रहा होगा, है ना। हाँ तो गाइस ठीक है, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और रात के बज गए हैं, एक बज चुके हैं ना, रात के बज चुके हैं एक। ठीक है तो गाइस, तो इसी के साथ ही ब्लॉग कहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। उन्होंने अपना कपड़ा सब चेंज कर लिया गाइस, मैं अभी जस्ट नीचे से ऊपर आया हूँ, नीचे से ऊपर आया हूँ तो मैं कपड़ा चेंज करूँगा। ठीक है चलो गाइस फिर सोते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। कल जाएंगे हम लोग शादी में, ठीक है, शादी की वीडियो दिखाते हैं, शादी में क्या 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 मजे करते हैं, क्या क्या नहीं करते, सब आपको दिखाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा मजा है। चलो गाइस वो उसको ज्यादा मजा आता है क्योंकि भटकता रहता है बहुत ज्यादा। चलो बाय गाइस।